वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेमिंग डायरेक्टर यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था कि हम री डिफेंड कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसके लिए उसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। तो अभी इन्होंने सही से ड्रिल मारना शुरू कर दिया, तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, सॉरी सॉरी चैनल को सब्सक्राइब मारो, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और डिस्कॉर्ड पे जल्दी से आओ। तो जल्दी से भाई, इन्होंने पूरा ड्रिल कर दिया था हमारे, बंदे एकदम से आया और इन्होंने एकदम से रश मार दिया। तो मैं यहाँ पे ऊपर अकेला बचा हुआ था, इसी वजह से मैं यहाँ पे रश नहीं मारा। पता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सोलो था, अगर मैं भी यहाँ पे मर जाता तो यहाँ पे इजीली ये ड्रिल मार सकते थे। तो मैं यहाँ पे मेरे बंदों के लिए थोड़ा रुक रहा था, एक आधे बंदे को मार रहा था आराम से, ठीक है, क्योंकि यार गन्स उठानी, आर्मर पहनना, जल्दी जल्दी ऊपर आना, थोड़ा टाइम तो लगता है। और आपने देखा भी है, दुनिया भर के वहाँ पे वो लग गया, और इसने भाई यहाँ पे डायनामाइट लगाया, मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, सही टाइम पे बच गया। फिर से रीलोड मारा, मैं फिर से यहाँ पे घुसा, उसने फिर लगाया। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, सीधा रोटेट मारते हैं। तो इस साइड से देखा मैंने, इस साइड से इन्होंने क्लियर कर रहा था, तो यहाँ पे मैं घुस गया। तो वहाँ पहले उसको मारा, वो उधर निकल गया, तो ये रेडी हो रहा था मुझे मारने के लिए, वहाँ बॉम्ब प्लेस करने के लिए, इसको भी ठुला दिया। ये एक और गया, और यहाँ पे उनके ऑलमोस्ट सभी वाइप हो गए थे। अभी अगर ज़्यादातर बंदे होने हैं तो वो रेडिंग पे डिफेंड नहीं करते, और मेरी टीम को इतना टाइम मिल गया था कि वो ऊपर आ सके। तो वहाँ पे उसने मेरी पोजीशन देख ली थी, मैंने फिर से एक रोटेट मारा, और मैंने यहाँ पे पहले देखा कि भाई थोड़ी बहुत वो है एमो, तो मैंने जल्दी से एमो उठा ली। उनके हाथ में ना लग जाए कुछ भाई, क्योंकि यहीं से बंदा अगर वहाँ से नेकेड आएगा, यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे मार सकता है। तो यहाँ पे मैं घुसा, मैं एक और ले गया, और भाई जहाँ पे घुसा भाई ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, कैंप देखा क्या, सही मारा, मैंने डोर ओपन भी किया, उसे मारा भी तब नहीं, जब मैं बाहर निकला तब मारा, बंदा सही ले खेल गया। तो यहाँ पे भाई वही दुनिया भर का टाइम, तो मैंने यहाँ पे देखो वहाँ पे मेरी गन गवा दी थी। मैं जल्दी से आया तो यार मुझे पता नहीं यहाँ पे किसकी मिल गया सामान, पता नहीं किसका मिला पर मिल गया। तो सही टाइम पे मैंने उठाया ये आर्मर वगैरह उठा रहा हूँ कि भाई तो अभी थोड़ा बहुत होता है ना। तो वहाँ पे मेरी टीम ने तब तक सारा संभाल लिया, रहने जल्दी से सारा कवर भी कर दिया, और ये यहाँ पे जल्दी से लूट वगैरह उठा के ऊपर निकल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे। भाई अगर वहाँ पे मैं मर जाता बाई चांस, गलती से भी अगर मैं रश मार देता, हीरो बनना चाहता तो ये रेड वो इजीली कर जाते। तो वैसे ही है कि थोड़ा पेशेंस से खेलो भाई, आराम से खेलो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लूट वगैरह का देख रहा हूँ कि भाई अभी गन्स की कमी है, जैसे आपने देखा वहाँ पे एमो चेस्ट में गन कोई है ही नहीं हमारे, वही है यार, एक दो बंदा जो गलती कर देता है ना उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई ऑनलाइन रेड पे ना बाहर लेके ही ना जाओ। हमारे दो तीन बंदे पता नहीं कौन थे, वो बाहर ले गए, तो यार ये यहाँ पे ये कर रहे थे, तो मैं नीचे जंप मार गया। मैंने कहा भाई इनकी गन्स भी तभी थोड़ा बहुत कोटा पूरा होगा ना, वरना तो हम इधर उधर बिखर जाएंगे, तो सब अपनी लूट ले रहे हैं, और वो इतने में फिर आ गए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लिया ही था, मैं यहीं पे बैठा रहा भाई, सबसे सही बात क्या हुई, मैं यहीं पे बैठा रहा। और ये देखो ये ऊपर से आया भाई, ये गया, अपनी गन्स लेने आ रहे हैं, इन्हें पता है कि वहाँ पे हमारी गन्स मरी हैं, और ये एक और गया। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ, मैं यहीं पे बैठा रहा लास्ट। अब सीन देखना है यहाँ पे, रेड डिफेंड किस पॉइंट पे हुई भाई, रेड होते होते रह गई उनकी, होते होते वो भी मैं क्यों मैं वहाँ पे बैठा रहा, मेरी सारी टीम मर के नीचे भी। आप देखना देखना, मज़े लो ज़िंदगी के, और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो यार जल्दी से। तो यहाँ पे रे कर रहा था, और मैं यहाँ पे जल्दी से ऊपर आया, उन्होंने फिर से ड्रिल मारा कि उसे कवर करते हैं। तो मैं जब करने लगा वहाँ से बंदा निकला, और मैं जंप मारा सही टाइम पे, तो वहाँ पे रे था, रे गया, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा था, तो मैंने सोचा बाढ़ में गया ऊपर, पहले यहाँ का ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ड्रिल तो यार अगर वो मारेंगे यहीं से मारेंगे और कहाँ से मारेंगे। तो मैं जल्दी से ये किया, और वहाँ पे नीचे आई थिंक डीजी पता नहीं कौन कह रहा था कि जल्दी से वहाँ पे सीलिंग वगैरह लगा दो कि मैं कर दूँगा। तो मैं फिर भी थोड़ा किया कि वहाँ पे कवर कर दूँ, पर नहीं यार वो बंदा वहीं पे कैंप मारा था, तो ये सुसाइड ही था वहाँ जाके, अगर मैं वो लगाता वो सुसाइड ही था। प्लस 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 मेरी सारी टीम नीचे थी, तो मैं सही टाइम पे देख रहा था मेरी टीम कब कहाँ थी, तो उसका हम बेनिफिट ले रहे थे। तो मैंने ये कर दिया, मैंने कहा बाढ़ में जाए ऊपर का, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, और यहाँ पे किसी को नीचे ही नहीं आने दूंगा भाई, साफ बात। जब वो यहीं पे मरते जाएंगे तो ऊपर हो नीचे हो, हमने लगा दिया अच्छे से। तो मैंने जल्दी से सामान इधर उधर किया, और मोस्टली सामान मैंने नीचे किया अपनी हॉट बार में, गन्स वगैरह सब रीलोड मार के, और मेरी 38 हेल्थ थी। पहले मैं थोड़ा इस साइड में गया, क्योंकि वो अपनी लूट इसी साइड लेने आएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, कवर ले रहा हूँ, और थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन को। तो वहाँ पे डीजी भी मर जाता है, और मेरी सारी टीम ही अभी नीचे पड़ी है सारी, क्योंकि सीन पता है वहाँ पे नीचे गन्स नहीं है कोई एडवांस वाली, जैसे मैंने कहा पता नहीं कौन बंदे थे वो बाहर जा के मर रहे थे और गन गंवा रहे थे। तो वहाँ पे सीन अलग हो गए, तो मैं हेल्थ करके मैं फिर अपनी जगह पे पहुँच गया। तो मैंने यहाँ पे देखा, और उन्होंने ये देखो मेरे सामने ही, और अभी देखो उन्होंने ये मुझसे क्लोजिंग नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा इस साइड से गया, मुझे लगा वो कहीं और बॉम्ब्स प्लेस कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे घूमता रहा, क्योंकि मुझे पता है यार मेन एरिया इसके ही नीचे है,
अगर उन्होंने नीचे जाना है तो इसी एरिया से जाएंगे। और भाई ये लो, हाँ शाबाश शाबाश, आ जा आ जा आ जा आ जा, तो भी आ तो भी आ तो भी आ। और दोनों बंदे गए, जैसे मैंने कहा ड्रिल मारेंगे तो यहाँ से, वरना वो कहीं से मारेंगे। एक ओपनिंग मिल जाती है ना हमें, तो मैंने ये एरिया बंद किया ताकि वो मेरे पीछे ना सकते, और मैंने फिर पूरा रोटेट मारा, क्योंकि जो वहाँ पे बंदे हैं यार वो भी ऑफ कोर्स डिस्कॉर्ड पे या किसी वॉइस चैट पे बैठे होंगे, तो वो बता रहे होंगे कि भाई एक नीचे बंदा है बंदा है बंदा है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, आप समझ रहे हो। और वो देखो जैसे मैंने कहा वो वहीं पर रिवाइव मांग रहा था, उसे पता है कि वो वहाँ पर होल्ड कर रहा है कि बंदा एनिमीज़ है तो यहाँ पर मुझे रिवाइव दे दे। तो मैंने यहाँ पर फिर बंद की आराम से, तो यहाँ पे मैंने इसे इस बार स्टोन का कर दिया और आयरन का कर दिया जो थोड़ा बहुत सामान था। तो हाँ सॉरी, डीजी ने नीचे से मतलब सब आयरन और स्टोन कर दिया, तो रे के पास गन नहीं था, वो कह रहा था मतलब गंदे दो गंदे, तो मैंने यहाँ से पहले तोड़ा कि भाई आ जा नीचे आ जा कि मैं गंदे, तो फॉलो मी। पर मेरा मतलब माइक बंद था उस टाइम, रात बहुत हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मतलब मैंने सोचा कि चलो छोड़ो भाई, वो अपना जुगाड़ कर लेंगे, मुझे अपनी मतलब यहाँ पे पोजीशन संभालनी है। तो मैंने फिर से आयरन का किया और मैं यहाँ पे फिर से पहले इनकी गन, क्योंकि और बॉम्ब्स बॉम्ब्स, और सही टाइम पे बच गया मैं। उसके पास गन नहीं है फिलहाल, अभी उसको जैकेट खुलाते हैं हम आराम से, उसने बॉम्ब प्लेस किए, ठीक है आ जा आ जा, निकलेगा तो सही बेटे, मुझे पता चल होती है थोड़ी ऑनलाइन रेड में कि हाँ बंदे को मारते हैं, पर हम पूरी पेशेंस के साथ इस बार पूरा फिर रोटेट मारते हैं बंदों को रोटेट। और यहाँ पे रे ने ऊपर संभाल लिया और डीजी, अरे रे गया, और सही है चल रहा है ऊपर ऊपर, वो अपना काम सही से कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदा, और चल भाई नीचे, ठीक है हमें आराम से, हमारे पास कवर है तो हमें रश मारने की ज़रूरत नहीं। देखो यार इतना अच्छा कवर, अगर ये छोड़ के मैं बाहर जाके मतलब वहाँ पे आगे जाके मरूंगा तो इसमें देखो मैं ही नूब हूँ, ठीक है। सीन क्या होता है कि जितना मतलब आप पेशेंस रखो ना ऑनलाइन रेड में, अगर आप चाहे डिफेंडिंग कर रहे हो चाहे रेड कर रहे हो, पूरी पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, ये बगेस गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मुझे देखो नीचे से दिखती नहीं, जब पास जाते हैं फिर दिखते हैं, और ये गया स्टोन आयरन, और ये हम और इनकी पहले गन्स लेते हैं जिनसे हमें ये मार सकते हैं, ऑयल बम भी देते हो तो ऑयल बम से भी मारता है, और क्या और क्या क्या, गंदो 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 N7 नंबर, ठीक है तो जिससे ये मार सकते हैं, अगर हम वही इनका चीज़ छीन ले तो ये यहाँ पे मतलब नेकेड आते जाएंगे और मरते जाएंगे और बस फिर डिफेंड हो जाएंगे इतने में। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मेरा मेन टारगेट है एमओ, एमओ वगैरह गई बाड़ में, ओहो आयरन वगैरह चाहिए, एमओ वगैरह गई बाड़ में, पहले मुझे ये दो गन्स और ये मतलब मटेरियल, और एक इनसे ये मिला, हाँ थोड़े बहुत लेके आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। और गन्स तो नहीं, ओजी ठीक है आ जा, अरे आ जा, और कहाँ पे है, और कुछ है नहीं है, और अभी मैं आराम से शांत बैठा हूँ कि जब तक वो मतलब यहाँ पे बॉम्ब प्लेस नहीं करेंगे तब तक मेरा काम लूटने का, और मेरी टीम प्लस ऊपर है और वो किसी को आने नीचे देंगे नहीं, ये तो मुझे पता है। वो अलग बात है कि बॉम्ब से अगर वो सारे रश में मार दें तो अलग है, पर अभी हमारे पास सही मोमेंट है तो अभी हम इनका मतलब सामान ले लेते हैं, और स्टफ़ बहुत है, और नहीं और कुछ नहीं चाहिए, आई थिंक वुड ले लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वुड तो जितनी हो उतनी है। तो यहाँ पे मैं फिर आराम से अपनी पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ, मैं पहले देखता हूँ अपनी लूट वगैरह का क्या सीन है कि इधर उधर का निपटा दो, अगर वो सही टाइम पे मतलब उठानी पड़ जाए ना तो ऐसे दिक्कत आ जाती है। तो अभी मैं फिर से एक चक्कर, क्योंकि अल्फा लूट थी जो मेरे पास मतलब मेन लूट थी उनकी सही, अभी हमारे पास एमओ वगैरह आती है, और हाँ ठीक है आर्मर वगैरह भी अभी चाहिए नहीं, वो तो यार बाद में भी कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो उठाओ, अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो मैं यहाँ पे सभी मतलब हाफ वॉल्स की तरफ देख रहा था, और बॉम्ब्स फिर से प्ले स्टार्ट हुए और मेरी टीम फिर से मर गई, और मैंने थोड़ा पार्ट स्किप कर दिया, कुछ मतलब पता सा नहीं चल रहा था, तो मैं यहीं पे बैठा था और ये जो हाफ वॉल्स हैं इनके यहाँ पे मतलब जैसे ग्लिच करके देख रहा था कि वो कहीं इधर उधर से तो नहीं ड्रिल मार रहे, और मैं यहीं पे बैठा था लास्ट तक भाई, जब तक वो मतलब उनकी रेड फेल नहीं हुई मैं यहीं पे बैठा रहा, और मैं यहाँ से हिला ही नहीं। यहाँ पे मतलब वो मैं देख रहा हूँ कि वो हाफ वॉल मतलब वॉल वगैरह कुछ तोड़ रहे हैं, तो वो ऊपर का सीन तोड़ रहे हैं, जैसे ऊपर डोर्स वगैरह थे ना तो उन्हें लगा वहाँ पे लूट पड़ी होगी कि ये बंदे जल्दी आ रहे हैं, तो वो आई थिंक ऊपर ही अभी ड्रिल मार रहे हैं, अभी मतलब नीचे नहीं स्टार्ट किया उन्होंने, उन बेचारों को गन्स वगैरह चाहिए, गन्स की कमी पड़ गई, मुझे पता है जब आपके पास M4 है आपके पास थोड़ा वो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ भाई अभी हम मतलब मार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर वॉल्स प्लेस करने की ट्राई मार रहा था, पर हमारी बुरी किस्मत हमारे हमसे हो ही नहीं रही थी, सीलिंग भी नहीं हो रही थी ना ही ऊपर वॉल्स प्लेस हो रही थी, जिससे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है यार, क्योंकि मेरे ओ अभी ये देखो उन्होंने सीधा एक साथ पुश मारा और मेरी सारी टीम को ले गए, और मैं यहाँ पे फिलहाल बैठा हूँ। पर दिक्कत आई थिंक उनके पास गन थी नहीं, एक आधे बंदे के पास वो थी, और ये देखो मैं यहाँ पे ग्लिच कर रहे हैं कि वो इधर उधर तो नहीं कर रहे कि हम यहाँ बैठे रहें और वो इधर उधर से काम निपटा दें आगे,
मैं देखो ये यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, और ये तब तक मेरी टीम फिर से आ रही थी पूरी रेडी होके, उनके पास गन्स ही नहीं भाई, SMG फेमस लेके आ रहे हैं अभी, ना ही हमारे बंदों के पास है और ना ही उनके पास है, मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत है कि उनकी हेल्प हो जाए, पर मैं अगर यहाँ से निकला तो यार रेड मतलब बचाने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे फिलहाल नीचे तक कोई आया नहीं, अच्छे से बैठे हैं डबल, तो वो देख जैसे मैंने कहा वो ऊपर डोज तोड़ रहे हैं कि वहाँ पे उन्हें गन्स वगैरह मिलेंगे, उनके पास ना गन्स है ना कुछ और है, तो फिलहाल वो। और ये DG अच्छा M4 वाले, जैसे मैंने एक दो बंदा है M4 वाला, रे भी गया, और ये बॉम्ब्स अच्छा खुद के बॉम्ब से मर गए, वाह शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन वेल डन शाबाश, ऐसे ही हमारा मतलब खुद रेड फिल करते जाओ। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं आएगा तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे, ताकि यार मैं मेरी टीम को थोड़ा बचा भी सकूँ, यार फिर क्या फ़ायदा अगर मेरी टीम वहाँ यहाँ पे मरती रहे और मैं यहाँ पे बैठा रहूँ। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे पहले कवर किया कि कहीं इनका बंदा यहीं पे ना बैठा हो, तो ये किया पूरा कवर और ये आयरन, और ये फिर तोड़ा और हम भी फिर आगे चले गए कि हाँ यहाँ पे है कोई, और ओ हो शाबाश शाबाश, एक बंदा दिखा, एक बंदा ऊपर, ठीक है अभी फिर से हमें अच्छी जगह मिल गई। तो पहले हम अंदर वाले को मारते हैं, पहले इसे यहाँ पे मतलब मैंने सोचा कि इसे यहीं पे बंद कर देता हूँ, वो अपने आप ही सेल्फी मार देगा, पर यार वो जैसे रेड की उन्होंने इधर उधर के स्ट्रक्चर इधर उधर हो गए, और अभी हम कुछ नहीं कर सकते, प्लेस तक नहीं कर सकते, हाफ वॉल वगैरह सीलिंग हो जाती है पर यहाँ पे इस टाइम पे ना वो नहीं होती। तो मैंने फिर से वही काम किया, मेरे पीछे से कोई मतलब आए ना मैं पूरा रोटेट मारता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले तो यहाँ पे देखा कि वो यहीं पे बैठा है, तो सही से मुझे दिखा नहीं, और ना ही मैं मतलब इन चेस्ट में भी लूट थी मुझे पता नहीं था, पर मैंने उठाई नहीं क्योंकि थोड़ा हम रेड की तरफ लगे पड़े थे, तो और मुझे सही उन्हें लगा मैं इस तरफ जाऊँगा, और ये अभी आ जाओ मेरी चपेट में, और पहले स्कोपिंग तर 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 आ जा शाबाश, ओह तू भी आ गया, अरे तू तो फ्री में ठोल गया शाबाश। और बॉम्बर्स गए, अभी हमारा टाइम है वहाँ जाने का, मैं थोड़ा फिर भी मैं थोड़ा होल्ड इन किया कि भाई वो हाँ फंस गया जाल में क्योंकि बॉम्बर्स की लूट हर बंदा लेने आता है। हाँ तू प्लेस करा जा, तुझे मैं प्लेस करवाता हूँ और आएगा बॉम्बर्स की, भाई बॉम्बर्स की लूट कौन नहीं उठाने आएगा कौन। और देखो उसने तभी वहाँ पे जाके उसने बॉम्ब्स वगैरह उठाए और प्लेस करने की ट्राई मारी। यहाँ पे उन्हीं के मैसेजेस चल रहे हैं, मैं अभी भी फिलहाल शांति पेशेंस लेवल 99999 है हमारा, और भाई अरे सही टाइम पे निकल गया, और भैया अभी यहाँ पे मुझे पता चल गया वो ऊपर पहुँच गई हमारी टीम, तो अभी मैं यहाँ पे रश मार सकता हूँ। तो पहले मैंने देखा यहाँ पे बंदा था, नहीं है, निकाला हाँ सीलिंग, और चलो भाई तड़ 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 जल्दी 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 जल्दी, और भाई शाबाश। तो इसे अभी यहाँ पे टाइम पता क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड एक बंदा पहुँच गया, उन्होंने मतलब यहाँ पे ड्रिल किया ना, तो नीचे एक साइड बंदा चला गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे देखा कि ये नीचे वाले मर गए, ऊपर से कोई है नहीं, तो आराम से अभी लूट इनकी गन्स वगैरह फिर से उठाता हूँ। यहाँ पे बंदा मेरी साइड में आपने देखा होगा आया भी, और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने दो नाइफ मारे भाई मुझे, दो मस्टैट मारे, मतलब मैं लिटरली लक था यहाँ पे मेरा, बच गया मैं। और यहाँ पे देखो SMG उनके पास भी गन नहीं, वही क्या सीन है ना, SMG वगैरह लेके आ रहे हैं वो भी। तो मैंने जैसे सबसे पहले गन्स उठाओ, बॉम्ब्स उठाओ, आर्मर वगैरह गया बाड़ में, M7 आ जा, नॉट इनफ, अरे यार और क्या है यहाँ पे, और क्या है अभी। वैसे भी मैंने ऊपर मतलब प्लेस कर दिया, उसे अपग्रेड कर दिया, तो अभी फिर से मैं टेंशन फ्री हूँ थोड़ा, अभी आराम से हम लूट उठाते हैं। पहले यहाँ पे सीन क्या करते हैं, चल तो निकल, गन दो पहले मुझे उसकी, नहीं हाँ बैंडेजेस दो भाई, हमारे पास मतलब हेल्थ ही नहीं है। यहाँ पे इसे करते हैं बंद, फिर से कहीं ऊपर मतलब ऊपर से कोई आए और सीधा नीचे ना चला जाए, ये हम नहीं करते, और हम यहाँ पे मारते हैं आराम से बैंडेजेस, इसे भी थोड़ा यार यहाँ पर भी लगा देते हैं। अरे यार ये पता नहीं यार सीन ही अलग है, लग जा प्लीज़ लग जा। और नीचे TC के पास हमारा बंदा बैठा है अपग्रेड मारने के लिए रेडी, स्टोन तक कर सकता है आई थिंक, वो आयरन तक नहीं, हाँ आई थिंक हमारा पूरा बेस आयरन का है, तो वो आयरन भी कर सकता है। देखते हैं पहले हम बैंडेजेस वगैरह मारते हैं यहाँ पे, मतलब मुझे कुछ, मैं यहाँ पे देखो ये इसका आर्मर तक लेके बैठा था, अभी याद आया कि हाँ भाई इसकी भी तो क्या ज़रूरत है, इसे भी गिराते हैं, थोड़ा मतलब हो जाता है ना कन्फ्यूजिंग टाइम हो जाता है अगर आपके ऐसी रेड चल रही है जो मतलब आपकी जस्ट TC वाली सीलिंग से बंदों को मार के आपने डिफेंड किया, तो ऐसा हो जाता है भाई। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ फुल हुई, और फिर से अभी हम मतलब
चालू कर देते हैं इधर उधर का सामान उठाना और डालते हैं अपने बैग में। यहाँ पे इसके पास क्या था, बॉम्ब्स वगैरह। बंदा यार वो सेल्फी मार मार के आ रहे हैं भाई बॉम्ब्स क्राफ्टिंग में ले लेके। अगर सीधा आते अभी तक पता नहीं हमारे पास कितने बॉम्ब्स हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं, उनके पीछे वालों के कुछ पास होगा ना। एक यहाँ पे M7 पड़ी थी, वो देखते हैं पहले, लगड़ ले ही लेते हैं अभी। कितना था, हाँ M7, शाबाश हुआ। इसकी एमओ भी चाहिए होगी हमें ना फिर। हाँ आयरन आर्मर, हेलमेट और एमओ थोड़ी बहुत बहुत है इतनी। वाटर बॉटल क्यों उठा ली मैंने, चल या। और यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें, ये भी जाओ क्योंकि M7 इसकी एमओ ही बहुत है हमारे लिए, उसकी ज़रूरत नहीं। 10 का क्या करेंगे भाई, एक टैग लेके बैठ गया फिलहाल। और बम्स वाले बंदे यार उनके पास था क्या, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। शॉट गन उठा लो, शॉट गन बहुत बुरी चीज़ है, 2 शॉट में मैं जा सकता हूँ। और क्या है यार, कुछ नहीं, बम्स तो उनके पास कुछ ही नहीं थे। तो यहाँ पे फाइनली मतलब रेड डिफेंड हो गई थी, हमारे बंदों के पास से कॉल आ गई थी कि हाँ भाई रेड डिफेंड हो गई, तो जल्दी से निकलते हैं ऊपर और इसे कर देते हैं कवर। क्योंकि उन्होंने मतलब कह दिया कि ऊपर का मतलब उन्होंने अच्छे से मतलब कवर कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास गन्स हैं, आ जाओ गन्स लेने। फॉलो मी, आ जाओ गन्स ले लो, गन्स ले लो मेरे से भाई, गन्स ले लो। कोई जा फॉलो मी, तो मैं उन्हें अभी भी कह रहा हूँ वैसे मेरा माइक बंद है ना, तो इसी वजह से मैं उन्हें बुला रहा था कि भाई गन्स ले लो मेरे से। और ये यहाँ पे आया, कार लो, ले भाई गन ले। M7 उठा, M उठा और ये उठा आर्मर। चल एक बंदा हमने जंग के लिए रेडी कर दिया, शाबाश। लेग गार्ड भी ले ले, शाबाश जा तू। हाँ बूट्स भी ले ले, चल तेरी किस्मत में है, जाओ। और यहाँ पे हमारे बंदों ने अभी हम उनके वहाँ पे ओ मतलब गाड़ी वगैरह लेके अपनी भाग गए, उनकी रेड मतलब फेल हो गई। पर सीन क्या होता है भाई, हमें भी लगता है कि हाँ हमने रेड डिफेंड कर ली, तो उनके बॉम्ब्स मतलब देखो तो सही, उन्होंने मतलब कितना बहुत ज़्यादा तक मतलब उन्होंने मतलब बॉम्ब्स वेस्ट किए और हमने मतलब रिपेयर मारा। तो हम भी इसके बाद आराम से चैन से सभी सोने चले गए। उनसे ऑनलाइन रेड हुई नहीं, पर वो हम पे ऑफलाइन रेड कर गए। वो भी कैसे, क्योंकि हमारे पास ऑटो कैनन नहीं थी, हमने एक भी ऑटो कैनन अभी बनाई नहीं थी, क्योंकि मेन रीज़न हमारा मतलब अपग्रेडिंग वगैरह नहीं था, तो वो थोड़ा भूल गए, इधर उधर हो गया। तो कोई सीन नहीं भाई, मज़ा बड़ा आया सर्वर पे डिफेंड करके, मज़ा आया उन्हें मार के, बड़ा मज़ा आया। और अभी चलते हैं ऊपर, वो मतलब थोड़े बहुत पंगे शंगे लेने आ रहे हैं और हम भी अभी पंगे शंगे लेंगे। सारी लूट मतलब सही से नीचे रख दी है। और चलो भाई ओपन, कौन है कौन है कौन है कौन है। और यहाँ पे हमारे बंदों ने ये क्या कर रखा है, कुछ नहीं, सभी गए। ओके डन डन डन, ये लैडर तोड़ते हैं कहीं ये कादा ऊपर फिर आ जाए बिना ग्लाइडर वाले। यहाँ पे कुछ नहीं, ओके सब सही है भाई, ऑलमोस्ट सब सही है। तो पहले तो यार मैं ये तोड़ता हूँ यार, ये इनकी वजह से हम, वो देखो वो यहाँ से ना आराम से यहाँ पे मतलब वो कर रहा था, कैंप मार रहा था बंदे निकले तो। हमारे नुबड़े बंदे पता नहीं क्या हमारे बंदे देखो भाई, उनकी हेल्प कर रहे थे वॉल लगा लगा। अरे नहीं अच्छा ठीक है, जब नीचे मतलब वो कर रहे थे आई थिंक बॉम्ब्स प्लेस कर रहे थे, तब वॉल लगा गई थी ऊपर। हमसे नहीं लगती जब लगनी चाहिए। अः तू कौन है, चल निकल। अच्छा ये हमारा ही बंदा था, वाल लॉल शाबाश। बिना लीजन के भाई सब मरते हैं। हाँ ठीक है, ये सामान दे दे मुझे, अच्छा सामान है जिसे हम नीचे रखाते हैं, अच्छा सा सामान। और कहाँ पे है, आ जाओ। और भाई बंदों ने मतलब सभी जगह बॉल्स प्लेस कर रखी है, वाह कि मतलब यार भाई स्टील की वॉल बना दी ना हमें रोकने के लिए, वाह शाबाश। और वो देखो गाड़ी लेके निकल रहे हैं वो सभी, और हमारे बंदे ऑलमोस्ट वहाँ पे फिर से जा रहे हैं। ये नंगू पंगू क्यों आ रहे हैं अभी, और डीजी को वहीं पर टुला दिया, वो अपनी मतलब भाग रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे मतलब किया था कि मैंने सभी को कहा कि भाई उनकी गाड़ी तोड़ो, गाड़ी में मतलब सामान गिरेगा वो लेके भागेंगे थोड़ा बहुत। पर किस्मत ख़राब पता है ना, ये गाड़ी मतलब ज़िंदगी लग जाती है इस गाड़ी को तोड़ने में। तो मतलब बहुत शूट किया, पर बाद में मुझे लगा नहीं फ़ायदा ही नहीं यार, फ़ायदा नहीं, जाने दो ये तो कुछ होने वाला ही नहीं इसका, जितनी मर्जी है वो मार दो, इसका कुछ नहीं होता भाई। अगर आप देखो ना, अगर आप अच्छे से मतलब ये मतलब कस्टमाइज़ कर लो, आसपास स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह लगा दो, ये गाड़ी नहीं टूटती भाई जो हम खुद कस्टमाइजेशन करते हैं। उनकी गाड़ी पत्थर में फंसी पड़ी है, वो निकाली। शाबाश निकल गए। कौन है भाई, कौन है,
तो मैं उनके रेड बेस पे गया और यहाँ पे मतलब उन्होंने मतलब वुड सीलिंग लगा रही थी जहाँ से मतलब मोल्डरा मतलब पता नहीं कहाँ से घुस रहा था मोल्डरा कहीं से, तो उनके मोल्डरा दो तीन बार गंद ले आया था। तो मैंने जब नीचे देखे बैग में सीधा ही कूद गया कि भाई बड़ में जाए मेरी लूट वगैरह, पहले इनके बैग तोड़ते हैं क्या पता कुछ मिल जाए। पर जैसे वो मतलब गाड़ी में सब सामान लेके निकल गए थे जो जो था उसका, तो ये पहले तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई बहुत सारे स्टोरेज चेस्ट है पर उनमें कुछ था ही नहीं। हम थोड़ा लेट हो गए, मोल्डरा सही टाइम पे जाके सही से गन्स ले आया भाई, वो काम सही रहा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली फोकट कुछ नहीं, कुछ नुबड़े बंदे कुछ नहीं छोड़ के गए, सब ले गए। यहाँ पे क्या मतलब उन्होंने क्या सीन क्या बना रखा है कि ऊपर का मतलब कुछ बनाया नहीं कौन है डीजीपी का। और यहाँ पे वाह डोर पे लॉक ही नहीं लगाया अभी, रेड बेस बना ले और लॉक। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मोल्डरा कहाँ से आ रहा है, रुक जाओ ए या ये देखो ये यहाँ से ना ऊपर का मतलब पहले बना नहीं था, पता नहीं क्या सीन था वो मतलब वहाँ से आता था आपको लगी नहीं थी, यहाँ से कूद के सीधा अंदर, शाबाश। तो चलो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और तब तक के लिए बाय बाय।